नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, जब भी आप लोग दूध डेयरी में दूध देते हैं, जब वहाँ सैंपल लगाया जाता है तो आप बटन दबाते होंगे, देखते होंगे कि लाल कलर का बटन दबता जलता है तो बंद होता है लाल कलर, फिर दबा दिया जाए बंद हो गया, फिर दबा दिया जाए, यानी कि ऐसे में दो बार तीन बार अगर हम दबा देते हैं जो लाल बत्ती जलती है बंद हो जाती है, फिर अगर दबाएं जलने लगेगी बंद हो जाएगी, फिर दबाएं तो जलने लगेगी बंद हो जाएगी। क्या ऐसे बार बार लाल बत्ती जलाने से क्या फैट और स्नेप घट सकता है या बढ़ सकता है? दोस्तों, बताने से पहले ये कहूँगा, आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि जब भी उस सैंपल को वहाँ लगाया जाता है तो वो सैंपल क्या है, हीट होता है, यानी गर्म किया जाता है। जब दूध जो है गर्म होता है तभी वहाँ पर फैट बताया जाता है। सैंपल अधिकतर ऐसा देखने को मिला है कि जो लाइट जलती है लाल लाल, बंद हो गई, फिर दबाया, फिर बंद हो गई, फिर दबाया, फिर बंद हो गई, यानी बार बार ऐसे करने से तो दोस्तों होगा क्या कि वो दूध हीट ज़्यादा हो जाता है, दूध ज़्यादा हीट हो जाता है। इससे क्या है कि दोनों बात हो सकती है, यहाँ तक अधिकतर जो बात की जाए तो फैट बढ़ जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों इसमें देखने को मिला है, लेकिन अधिकतर फैट बढ़ जाता है। अगर बार बार हम उस दूध को हीट करके, आपको दोस्तों पता होगा जो वहाँ पर लगाया जाता है, जो बत्ती जलती है वो दूध हीट किया जाता है उससे, यानी दूध गर्म होता है। आपको शायद नहीं देखे होंगे, अगर बत्ती जलाकर नीचे आप उंगली लगा देते हैं तो आपकी उंगली हीट होने लगेगी, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। तो बार बार जितना दबाएंगे तो दूध हीट होगा, और हीट होने की वजह से जब वहाँ लगाया जाता है तो अधिकतर यही देखने को मिलता है कि दूध का जो फैट और स्नेप होता है बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे दो बार गर्म हीट कर दिए, तीन बार हीट कर दिए, तो उससे क्या है कि वो दूध हीट होने के वजह से फैट स्नेप ज़्यादा बताएगा, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि यही बताएगा, क्योंकि उसमें दोनों देखने को मिला है, बढ़ भी जाता है कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, घट भी जाता है। लेकिन जो वास्तव में जो फैट स्नेप होता है, एक बार आप दबा देंगे लाल बत्ती बंद हो गई, तो एक ही बार दबाने से अगर बंद हो गई फिर उसे वहाँ लगा देते हैं तो उसमें क्या है, ओरिजिनल यानी रियल में जो उसका फैट और स्नेप है वो पहली बार में बता देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमने सोचा था, मतलब कई बार ऐसा भी ट्राई किया गया कि अगर हीट पर जो है, हीट दूध है, यानी कि तुरंत अगर हम दूध निकाल कर लाते हैं तो हीट पर रहता है, अगर उसे हम ट्राई करते हैं, तो ऐसा भी ट्राई किया गया कि उस समय दूध का फैट स्नेप बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों इसमें भी दोनों बातें देखने को मिला कि अगर आप तुरंत दूध निकाल कर लेकर आए और तुरंत दूध डेयरी में भरा दिए तो हुआ क्या है उसमें कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि दूध का जो फैट और स्नेप है बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि फैट स्नेप घट भी गए दूध गर्म होने के कारण। तो इसमें दोनों बातें हैं, ये भी हो सकता है कि गाय भैंस में फ़र्क है, सभी गाय के दूध जो है अलग फैट आता है और सभी भैंस का भी अलग आता है, गाय का भी अलग आता है। तो हम तो यही कहूँगा, आप लोग दूध डेयरी में दूध दे रहे हैं तो आप एक बार जो है तुरंत दूध लगा कर ले जाएं और ना पाएँ वहाँ पर सैंपल निकलवाएं, तो ऐसा अगर आप एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसे अगर आपका कुछ बढ़ जाता है रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, तो समझ लीजिए कि आपका जो दूध है वो तुरंत दूध निकाल कर ले जाएंगे तो फैट स्नेप ज़्यादा आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक ऐसा भी एक बार अंदाज सकते हैं कि दूध को ठंडा भी कर सकते हैं, और हमने तो बहुत सारे तरीके बताए आपको फैट और स्नेप बढ़ाने के लिए, दोस्तों इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं। और
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के।